इसी तरह के कपड़े पहनने, क्योंकि हमारी फैमिली में इस तरह के कपड़े पहने जाते हैं और तुम्हें भी यही पहनना है, इसी लड़की से तुम्हें शादी करनी है, इस तरह की कोई एक स्ट्रक्चर है जिसमें तुम्हें रह के चलना है। तो आप बिल्कुल से कह रहे, सोशल प्रेशर इतना ज्यादा है तो क्यों नहीं एंजाइटी होगी लोगों को, जब वो अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजार सकते, जब वो अपनी मर्जी से अपने लिए डिसीजन, या आपके लिए डिसीजन नहीं, मैं अपनी जिंदगी अपनी लाइफ के लिए डिसीजन ले रही हूँ, जब मेरे पास वो अख्तियार भी नहीं है, तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई इंसान नॉर्मल रहे सोसाइटी में। नॉर्मल रहना का तो मैं समझता हूँ सबसे जरूरी चार चीज है कम्युनिकेशन, जैसे तुमने बोला कि जहां हमारी पर्सनालिटी के ऊपर ही एकदम से दबाव आ जाता है कि यार ये आप नहीं कर सकते, नहीं आप इस इन लोगों से नहीं मिल सकते, आप इस खानदान से बाहर आप शादी नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे तरीके तौर बड़े अच्छे हैं, बड़े जरूरी हैं, मगर उसमें अगर हम कम्युनिकेशन रख लें, एक्चुअली अगर बड़े छोटों से बात करें, और साथ साथ ये भी कहूंगा मैं सिर्फ बड़ों को ब्लेम नहीं करूंगा, ठीक है बड़ों की एक उनकी भी परवरिश थी, वो भी उसी तरह बड़े हुए, उनकी अम्मी अबू ने ऐसे उनको बताया, मगर हमारे नौजवान जो है अब स्पेशली अब ज्यादा जो आप स्पेशली जो होते मिलेनियल जो है उनके अंदर एक इतने थॉट प्रोसेस आ गए हैं कि वो जानते हैं कि उनको क्या चाहिए, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, वो साथ साथ अगर वो कम्युनिकेट करना शुरू हो जाए ना सिर्फ एक दूसरों से मगर अपने बड़ों से जिनसे वो इतना डरते हैं, अगर हम एक दूसरे कम्युनिकेट करें इतनी और प्रॉब्लम्स जो हैं वो ना हो। और इस वक्त में मैं तो बिल्कुल सही समझता हूँ सोनिया, मेरे लिए ये जो हम कॉन्वर्सेशन अभी हम कर रहे हैं तुम्हारे में, ये दूसरे लोगों के अल्लाह करे फायदेमंद हो, मैं तो चाहूंगा, मगर सबसे ज्यादा फायदेमंद मेरे लिए है, बिकॉज मेरे लिए अपने किसी से कम्युनिकेट करना, तुम्हारे ख्याल सुनना, तुम्हारे ख्यालों को अंदर प्रोसेस करना और तुम्हें अपनी राय देना, यही मेरे लिए एक इतनी क्या कहेंगे उर्दू में, सेल्फ सेटिस्फेक्शन आई गेस उर्दू में, यही उर्दू का सेल्फ सेटिस्फेक्शन ही उर्दू थी। आई मीन अपने जाती तौर पे आपकी आपको को सेटिस्फाइड होना आपको बहुत जरूरी है कि जो मैं सोच रहा हूँ एज एन इंडिविजुअल, क्या उस चीज से दूसरा भी अग्री करता है या नहीं, क्या मेरी बात गलत तो नहीं, जो मैं सोचता हूँ वाकई गलत नहीं होती। आप कॉन्वर्सेशन करने की हिम्मत तो पैदा करें, आपस में बात तो करें। हमारे यहाँ जो कम्युनिकेशन गैप इतना ज्यादा है कि हम अपनी चीजें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और वो करने की बहुत जरूरत है हमें। सोनिया तुम दूसरे लोगों से कम्युनिकेशन अपने दो फ्रेंड्स के अलावा, डू यू हैव पीपल हु यू आर क्लोज टू इन द वे ऑफ फ्रेंड्स? फ्रैंकली स्पीकिंग है तो, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मैं, मेरे बहुत ज्यादा दोस्त हैं नहीं, मैं क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि आपका अगर जितना भी सर्कल है ना, आप अगर उसको ही अच्छे से निभा लो और उनको ही जरा, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक दोस्त बनाते हैं तो उसकी बहुत सारी चीजें जो आपके ऊपर होती हैं आपको निभानी होती हैं, रादर ये कि आपने बोल दिया हेलो हाय हाँ यू आर माय फ्रेंड और फिर अगले साल मिल रहे हैं उससे, तो आप उसे खुशी में गम में सब जगह साथ साथ होता है, तो मुझे लगता है आप उतना रिलेशनशिप्स बनाएं जितना आप सही से निभा सकें, तो मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ। लेकिन मेरे जो कुछ दोस्त हैं वो स्कूल फ्रेंड्स हैं, बचपन के दोस्त हैं, वो अभी तक मेरे फ्रेंड्स हैं, और फिर इंडस्ट्री में आके काफ़ी सारे लोग हैं जो आप लोग हैं, आप लोगों से बात होती है, बहुत दफ़ा बहुत सारे लोगों को आप अपना नजरिया नहीं पेश करना चाहते क्योंकि आपको लगता है कि कोई फायदा नहीं है, तो आप उनसे बिला वजह कॉन्वर्सेशन करने को वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं, लेकिन बहुत दफा बहुत सारे लोग आपके हिसाब के मिल जाते हैं जहाँ पे आपकी वाइब्स कनेक्ट हो रही है। कुछ कह गई है सोनिया? नहीं ऑब्वियसली क्योंकि हमारे किसी को सुना गई है, कोई जो था जो समझ से सुनने वाला है आपको पता है आपकी किसकी बात हो रही है, प्लीज बाकी बात करें कोई ना करें मेरा इस तरह मुझे तंग ना करें, आप यू आर नॉट वर्थ द कन्वर्सेशन और आई नो कि आपने कोशिश की है कुछ दिनों में, मगर मैं आपको ये बताती चलूं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो नो इट्स नॉट दैट, होता ये कि बहुत दफा आप अपनी जब राय पेश कर रहे होते हैं आपको लग रहा होता है दूसरा इसको अपोज करेगा, दूसरा इस कुछ और ही सोच रहा है, तो मुझे मेरा ख्याल है कि बजाय आपको उस कॉन्वर्सेशन को मजीद ड्रैग करने के आपको वहाँ खामोश हो जाना चाहिए कि अभी बेसिकली अभी थोड़े दिन पहले कुछ उस तरह की एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें भी चली थी, आई डोंट नो मुझे लाइफ पे ये बातें डिस्कस करनी चाहिए, लेकिन खलील साहब की बहुत सारी चीजें चली थी, वो अपनी अपनी राय बताते थे, आगे से दूसरी कोई खातून थी वो अपनी राय पेश करना शुरू हो जाती थी, तो मैं तो बीच में मैं भी कहीं फंस गई थी, तो मुझे लगता है कि जहां पर आपकी बात समझ नहीं पाएंगे लोग और जब उनका वो लेवल नहीं है जहां पे आप बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है, फिर अच्छा है कि आप अपने चीजों को अपने पास ही रखें। Has Sonia Hussain ever fallen in love? Yes, many times. Many times. Many times. Dil pe inko kya ek dam se dil aa gaya?
वो लड़के वाला दिल दुनिया में वो कहते हैं ना कि सिर्फ मोहब्बत ही नहीं है, और भी बहुत सारे गम है जिंदगी में. तो मुझे लगता है कि मैं इस बारे में वाह, बड़ा सेव सोचती किया, बड़ा सेव किया। सोच रहा था किसना करेगी। अच्छा ठीक है, नहीं फेयर इनफ। नहीं सच में मुझे पता है. मैं जब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप टीन एज में होते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीजें कहते हैं इन्फैचुएशन होती है, आपको बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट करती हैं. आप कहते हैं कि अच्छा ओ, ये मेरा आइडियल है, इस पे मुझे क्रश है, इस तरह का दिखना चाहिए, वो सारी चीज होती है. फिर आपको बहुत सारे लोग जिंदगी में मिलते हैं, आप कहते हैं कि अच्छा शायद यही मेरी मोहब्बत, और अब यही इधर ही जिंदगी खत्म हो जाएगी. तो मुझे बाय द टाइम ये एहसास हुआ है जिंदगी में कि जो रिश्ते नाते होते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी जरूरत से कनेक्टेड होते हैं. मोहब्बत कुछ नहीं होती, कहीं ना कहीं आपको हर रिश्ते में ना आपकी एक जरूरत होती है. आपको वो चीज़ इसलिए, आपको उससे मोहब्बत इसलिए होती है क्योंकि वो चीज़ आपको चाहिए, इसलिए आप उससे मोहब्बत कर रहे होते हैं. सिर्फ मुझे लगता है माँ बाप और माँ औलाद की जो एक मोहब्बत है ना, वो एक ऐसी चीज है कि जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो एक ऐसी होती है जो बगैर किसी गर्ज की होती है. तो अदरवाइज तुम कहीं समझते ना हो कि कहीं लोग, अनकंडीशनल लव उसके अलावा नहीं हो सकता? आई डोंट थिंक सो. मुझे लगता क्यों है कि नहीं? लोग, अगर पता नहीं, लेकिन सबके अपने अपने एक जिंदगी में अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं. मुझे लगता है कि कोई किसी से बात भी करता है ना, तो किसी से जरूरत के लिए बात करता है, कोई ऐसे किसी से बात नहीं करता. तो शायद आई डोंट नो इफ आई एम बीइंग रूड, बट दैट्स हाउ लाइफ इज. और इस जिंदगी इसी तरह चलती है, ये इसमें कोई ऐसी कोई इनसेंसिटिव बात नहीं है. ये इसी नहीं तरह जिंदगी चलती है. हम सब सोशल एनिमल है, हम सब एक दूसरे के साथ एक किसी न तरीके से कनेक्टेड है. तो इसका मोहब्बत का नाम देके हमें इसको, इस चीज को गलत नाम नहीं देना चाहिए. मोहब्बत नहीं, मगर मोहब्बत कभी सिर्फ माँ मोहब्बत बाप. कह के, ये एक मोहब्बत है कि शायद कुछ लोग, मैं मालूम नहीं, मैं आई डोंट नो, मैं इसमें बिलीव करता हूँ, मगर मैं समझता हूँ कि शायद जो तुम कह रही हो कि मोहब्बत कह के कुछ लोग एक रिश्ते को ज्यादा अहमियत दे देते हैं अल्फाज से, मगर उसके फीलिंग्स में वो ज्यादा अहमियत नहीं होती। क्या ये सच है? मैं समझ नहीं पाई सवाल क्या क्या आया पर मतलब कुछ. कि मे बी पीपल जस्ट कॉल इट लव, बट वो उसने एक डिग्री ऑफ नीड थी, वो ज्यादा थी, तो क्योंकि उसको लव कह दिया, मगर लव कुछ नहीं होता, ये तुम कह रही हो? लव आई थिंक एक अंदर की फीलिंग होती है आपकी. जब आप ये सोचते हैं कि यहाँ पे हमारे यहाँ लव इस तरह का लोग समझते हैं कि अच्छा आज मैं इसको इतनी मोहब्बत कर रहा हूँ, तब ये मेरे लिए क्या कर रहा है, ये भी तो मुझे देखना है, ये तो मेरे लिए कुछ नहीं करता, मैं तो पूरी पूरे दिन इसका बैठ के इंतजार कर रही हूँ और ये तो मुझे एक रिप्लाई नहीं करता. ये वाली बातें जो टीन एज की बातें होती हैं, या मैंने इसको तीन तीन इवेंट्स पे इतने बड़े बड़े गिफ्ट दिए, इसने तो मुझे पलट के एक रिंग भी नहीं दी, ये वाली चीजें होती है कि मोहब्बत नहीं होती. ये आप कोई चीज के, अगर आप उसको अपना टाइम दे रहे हैं तो वो भी इन रिटर्न आपको अपना टाइम दे, तो वो मोहब्बत नहीं है. मोहब्बत हमेशा वन साइडेड होती है. तो ये जो होता है ना, मुझे, और मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया में जो आप ये मोहब्बत वगैरह इन सारी चीजों से लोग जो गुजरते हैं, गुजरना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इट्स इट्स अ जर्नी. जब तक आप उसमें डूबेंगे नहीं तो आप, और उससे फिर निकलेंगे नहीं, और अपने आपको पता नहीं लगेगा कि ये चीज कितनी टेम्पररी है और उसके बाद क्या है, तो आप एक्सप्लोर नहीं करते अगला स्टेज. तो आई थिंक ये वन ऑफ द स्टेजेस है जो आपके लाइफ का होता है. तो जरूरी है, मोहब्बत होना जरूरी बहुत कभी किसने दिल तोड़ा? मतलब है. कैसी बातें कर रहे हैं जो कभी आप. किसने तोड़ा ही नहीं, तोड़ा दिल? पहले मुझे लगता था कि मेरा दिल टूटा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने एक्सपेक्ट ही क्यों किया कि कोई दिल जोड़ के रखे आपका. ये मेरी गलती है, किसी और की नहीं है. मैंने यही तो मैं कह रही हूँ, एक्सपेक्टेशंस ही आप खुद अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखना है. जिस तरह आप अभी बात कर रहे हैं, जैसे हम खूबसूरती के बेंचमार्क बना रहे हैं, इस तरह हम मोहब्बतों में बेंचमार्क बना रहे हैं कि ये मोहब्बत है. यहाँ आके तो कोई मुझसे कोई गलत बात कर ही नहीं सकता, कोई किसी और को देख ही नहीं सकता, कोई और कहीं और जा ही नहीं सकता. आप इतना एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं, ये आप खुद कर रहे हैं अपने साथ गलत, कोई और नहीं कर रहा. तो तो ये एक्सपेक्टेशंस हैं बात जो आपको उस रिलेशन की, क्या कहते हैं, मेक यू अ स्लेव ऑफ दैट रिलेशनशिप ना, कि आप कहते हैं कि तुमको तो धूप, तुमको तो साया, और तुमको तो चांद, तो तुमको तो रोशनी, यही ना। और जब तुमने कह दिया चांद, तो चाहे जो मर्जी हो, बस अब चांद ही चांद है। और वो बंदा क्या कि एक तो चांद ना कभी था,
न कभी है, और मैंने सोचा क्यों, अपने आप पे गुस्सा चढ़ता है कि यार मैंने उस एक दूसरे इंसान को, और हर बंदा ये सोचता है, मैंने एक दूसरे इंसान को वो जगह क्यों दी कि जो तुमने कहा वो मैं तो सुनने के लिए तैयार, मैंने अपनी अकल उस वक्त क्यों नहीं। और बहुत से लोग नहीं करते, बहुत लोग समझते हैं कि प्यार के अंदर अब क्योंकि अब वो बंदा कह रहा है या बंदी कह रही है उसी के अंदर अग्री करोगे तो ज्यादा प्यार वाले लगोगे, ज्यादा लगेगा कि नहीं जो तुम कहो यू नो तू ही मेरी मंजिल, तू यू नो तू बता कि मैं क्या करूं। मैं चांद सितारे तुम्हारे कदमों में लाके रख दूंगा, तो आप मोहब्बत में यकीन कर लेते हैं यार ये शख्स तो वाकई चांद सितारे तोड़ रहा है हमारे लिए। अगर पता है चांद सितारे नहीं तोड़ के ला सकता वो, मोहब्बत जब है जब आप उससे कहें कि भाई मुझे चांद सितारे नहीं चाहिए, तुम कुछ भी लाके ना दो फिर भी मैं तुमसे मोहब्बत करूंगी, तो दैट इज मोहब्बत। अब वो चाय और एक समोसा, चाय और समोसे खिला दो बहुत है, और कुछ अच्छी गुफ्तगु और गप्पे लगा लो, और मेरे साथ वक्त गुजारो जो जिसके अंदर ना तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो ना मुझे, सिर्फ हम एक दूसरे को जाने, कॉन्वर्सेशन करें। और एक और चीज मोहब्बत के अंदर जो मैं समझता हूँ, मैं बड़ा एक राय दे रहा हूँ जैसे मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, थोड़ी सी अपने आगे वल्नरेबिलिटी होना। हम लोग आई थिंक लोग समझते हैं कि मोहब्बत वो है जो एक दूसरा बंदा समझता है कि मैं आपको जानता हूँ, एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, मगर जब तक आप अपनी वल्नरेबिलिटी, अपनी जो दीवारें आपने इर्द-गिर्द खड़ी की हुई हैं, आपके अंदर जो एक छोटा बच्चा है, ये छोटी बच्ची है जो 5 साल की, जो 8 साल की, जो उस वक्त रुकी हुई है किसी डर से, कोई 10 साल की रुकी हुई है कि वो चीज नहीं कर सकी, उसके अंदर एक वो डर है जो फेयर है, जब तक अपनी फेयर्स को आप लोग ना आगे दूसरे करने को करें, और दूसरा बंदा आपकी फेयर्स को जिस तरह है और जैसे आप हैं आपको एक्सेप्ट ना करे, तब तक आई डोंट थिंक आपको कोई असली मोहब्बत हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात।